हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं शाहिद शरीफ आरटी एक्शन कमेटी का चेयरमैन आपसे बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा कि आज नागपुर शहर में एक घटना घटी है। सुबह एक बच्चा 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता था जैन इंटरनेशनल स्कूल में, जहाँ पे वो एक एग्ज़ाम दे के जैसे ही निकला ग्राउंड की तरफ जाने लगा, वहीं चक्कर खा के गिर गया। ये जानकारी हमको स्कूल और हॉस्पिटल वालों ने दी है, लेकिन उसकी असली जानकारी हमको जब मिलेगी जब वहाँ के स्कूल का वीडियो डिटेल डाटा प्राप्त होगा। ये मैंने आज स्टेटमेंट दिया है डिपार्टमेंट को और पुलिस को कि उसकी वो चीज़ें जब्ती होना चाहिए, क्योंकि वो उन लोग ने रिकॉर्ड दिया नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि जब ये घटना हुई उसी समय मैं हॉस्पिटल में भी था और मैंने उनसे बात भी की। ये चेतावनी है आप लोगों के लिए कि किस तरीके से स्कूल वाले अपनी लापरवाही कर रहे हैं। आपका बच्चा सिर्फ जाता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी स्कूल वालों की होती है, लेकिन उसका निर्वाह कोई करने तैयार नहीं है। ये घटना में आज प्रूव हो गया कि जब हम प्रिंसिपल से बात करते कोई भी चीज़ के लिए तो डायरेक्टर सामने आता है। तो आप मेरे को बताइए कि जब आपका बच्चा वहाँ जाता है और हमारा अधिनियम में भी साफ लिखा हुआ है कि कुछ भी यदि होता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी प्रिंसिपल की होती है, ना कि मैनेजमेंट की होती है, लेकिन जहाँ भी कोई चीज़ होती है उस पर पर्दा डालने के लिए मैनेजमेंट आगे आ जाता है। तो ये तो बात मैंने आज की आपसे बताई। अभी दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी इनके धंधे, अभी पहला सेशन ख़त्म हो गया, अभी इनके भिखारी पने के धंधे शुरू हो गए। कभी बोलते 100 रुपये लाओ, कभी बोलते ड्रेस के लिए आओ, कभी बोलते गाने बजाने के लिए आओ, कभी बोलते खाना खिलाने के लिए लेके आओ, कभी कुछ पैसे मांगते कि फादर को खाना खिलाना है, और किसी में तो ये कहते हैं कि हमको इनको दान करना है। कभी इसको ग्रुप के नाम से लेते, कभी हेल्प के ग्रुप के नाम से लेते, और कभी एग्ज़ाम लेने के नाम से लेते। तो मैं आपको सभी को ये बोल रहा हूँ कि आपको 1 रुपये भी देना नहीं है, आप ये नोट कर लीजिए। और यदि आपको कोई भी स्कूल की शिकायत देना है तो आप मेरे पास में एफिडेविट करा के आइए, आप कोर्ट में जाइए, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है मैं इमीडिएटली उसकी हेयरिंग लगवाऊंगा। अब तो बहुत ज़्यादा मतलब ये हो गया है कि इनका धंधा ही बन गया है कि हर अभी ये महीना शुरू हो गया है इनको। अब यहाँ से अभी आपको कहीं पिकनिक के नाम पे बोलेंगे तो कहीं किसी और के नाम पे बोलेंगे, तो इस तरीके से लोभ लुभाऊ आपको बताएंगे और आपसे पैसा वसूला जाएगा। इसका रोक कब लगेगा? जब आप इसका सहयोग करेंगे। तो और आपने देखा कि हम लोग लगातार इसके ऊपर में लड़ रहे हैं आपके लिए, लेकिन आपका जब तक कॉपरेट नहीं मिलेगा तो हम लोग ये लड़ाई कैसे जीत पाएंगे। अब रही दूसरी बात, मैंने लास्ट वाले वीडियो में आपको 425 रुपये जो हमारे ज़रूरतमंद बच्चे हैं योजना के अनुसार, उसका जिसको फॉर्म चाहिए वो मेरे को आप मैसेज करिए तो मैं उसका फॉर्म भी आपको डाउनलोड करके भेज दूँगा। आप हमारे पुराने पूरे वीडियोज़ देखिए जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, और फिर मैं अभी नई टैगिंग कर रहा हूँ, अभी काम चल रहा है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपको अच्छा लगता होगा आप लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच। शाहिद शरीफ।